न्यूज प्लस इंडिया पर देखें बड़ी खबर। जिला संत कबीर नगर निवासी मनीष पुत्र अरविंद नाबालिग का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद से उसे गोरखपुर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहां पर डॉक्टरों ने घायल मनीष की हालत नाजुक देखकर लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया, पर लखनऊ पहुंचते ही दलालों के माध्यम से वह एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गया। हालत नाजुक होते हुए भी उस अस्पताल के जिम्मेदारों ने उसे 5 दिनों तक रोके रखा, साथ ही 35,000 रुपया रोज के हिसाब से वसूलते रहे। 5 दिन इलाज करने के बाद घायल मनीष को मृत घोषित करके उसे घर के लिए रवाना कर दिया। परेशान पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। जहाँ आपकी इच्छा वहाँ लेके जा सकते हैं, तो घर लेके जाए तो कहीं और लेके जाए। फिर शाम को हम लोग इंतजार किए डॉक्टर साहब का, तो डॉक्टर साहब मैडम उठ के चली गई थी, फिर उनका तभी से इंतजार कर रहे हैं। मैडम से कोई बात हुआ नहीं तब तक। जहाँ वेंटिलेटर पर रखा गया था 4 दिन से, वो क्या है डॉक्टर साहब? वहाँ जाने भी नहीं देते थे ना, शाम खाली शाम को 8 बजे, सुबह 7 बजे, यही 2 टाइम जाने देते थे। एक एक आदमी पारी करके देख लो, घर निकल जाओ। कौन ये बताया कि बच्चा अभी देते बता रहे थे? हमको नहीं जानते। प्रधान है आपके यहाँ आए, कौन बता रहा था कि मृत्यु? बहुत लेट आए हम, उन्हीं से डॉक्टर से वो डायरेक्ट अकेले में बात किए थे, तो डॉक्टर उनसे क्या कहें वही जाने। नहीं, वेंटिलेटर पे लेटे हुए थे, डेथ हो गई थी बच्चे की, ये किसने बताया था कि आज मैं घोषित कर दिया गया? ऐसा तो कोई नहीं बताया था, नहीं बताया गया था। और 68,000 रुपये आज के बेड चार्ज हो गए सब बता रहे थे हम। 68,000 और बता रहे और बता रहे। कितना आप दे चुके हैं? 210,000 रुपये दे चुके। 210,000 दे चुके हैं। क्या हुआ था? एक्सीडेंटल था। एक्सीडेंटल था, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, अकेले में कोई उसके साथ नहीं था। भाई साहब आपका? हमारा नाम सर राजीव सिंह है। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पर सर हमारे गांव से ये चमार बिरादरी का जो जिसके पास भूमि ही ना है सर, ये बेचारा वहाँ से इलाज कराने के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से रेफर किया गया इसको, तो ये इलाज कराने के लिए यहाँ पर आया, तो वहाँ से मेडिकल कॉलेज जाना था इसको, लेकिन दलाल के माध्यम से ये इंडिया अस्पताल में चला आया। यहाँ पर सर ये 8 दिन से 7 दिन से हम लोग को यहाँ पर रखे हुए हैं, और 3 जब हम लोग कहें कि इनको छोड़ दीजिए मेडिकल कॉलेज हम लोग जाएंगे, हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग का सब पैसा खत्म होगा, 4-5 लाख रुपया खर्चा होगा। 3-4-5 लाख रुपये बता रहे थे हम लोग का, जब से एक्सीडेंट हुआ 5 लाख रुपया खर्चा हो गया, जब से एक्सीडेंट मेरा है गोरखपुर से लेकर के यहाँ क्या जमा किया? यहाँ पर जमा 5 का सिक्का जमा नहीं किया। 5 की कैसे क्या बात कर रहा है सर? यहाँ 50,000 रुपया जमा किया, 50,000 रुपया। सर सर आप ये बताइए, 4 दिन से वेंटिलेटर पर रखा गया था और आज मृत घोषित कर दिया गया? नहीं सर, मृत घोषित नहीं किया। हम लोग को ये बताया गया कि अगर इसको यहाँ से रेफर करके किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो वो डॉक्टर बोलेगा कि लाश को कहाँ से आप लोग लाए, इनके डॉक्टर का स्टेटमेंट है ये, इनके डॉक्टर का स्टेटमेंट है कि लाश कहाँ से आप लोग लाए। अगर मेरा बच्चा लाश था तो मेरे बच्चे का इलाज क्यों किया गया? हमारा यही प्रश्न है इन लोग से, ये पूरे संस्था से प्रश्न है कि आप जब कह रहे थे कि तुम कौन हो पहले उनके बताओ। हम उनके गांव के हैं, हमारे घर के हैं, हमारे घर के हैं। सुनिएगा असलियत पहले, आप रोकिए। फिर स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं ग्राम प्रधान, जनता तक नहीं पहुंच पा रही सरकारी योजनाओं का लाभ। गिलावला ब्लॉक के चबरखा गांव के मजरा महतोपुरवा का है, जहां कृष्णावती पत्नी बाबूराम यादव निहायत ही गरीब होते हुए भी सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। न राशन कार्ड बना है, न आवास दिया गया है और न ही शौचालय पाए हैं। एक पांच में नौ भात की बात यहां पर चटीक बैठ रही है। इस तरह से कैसे होगा काम, कब कैसे होगा भ्रष्टाचार का खात्मा? हाँ माता जी, आपके कहाँ नाम है? कृष्णावती। जोर से बताओ। कृष्णावती। गांव का नाम? महतपुरवा। मजरा का लग रहा है? चंदरखा। ब्लॉक? ब्लॉक गिलौला, जिला सारा बस्ती। क्या समस्या है? क्या समस्या है, कहा गया प्रधान जी से कि भैया सबका दिया हम हूँ कहाँ दे दो, हमारो झोपड़िया है, हमारे घर गिर गया है, मकान अंदर रहा कहीं खप रही और
अब यहाँ भुसैला घारी भुसैला में रही थे, सिर की कुंडी उठाए लायन है तब कहीं ना आई, तब देखा जाई बैठक व्यवस्था ना आई है। हाँ बैठक व्यवस्था ना आई है, तो इसी इसी मढ़े में खाना पानी रहन सहन हमारा सब कुछ हो रहा है। सब चूल्हा चक्की धरा है, बनाए खाई थे। चूल्हा किधर बनाते हो, खाना किधर बनता है? वही डेहरी धरे हैं आपके घर में, डेहरी पैयकदारी है, चूल्हा छोटे हैं। तो आपने प्रधान से कहा? कहा रहा, देखी नहीं प्रधान। हाँ फिर क्या बताए? कहीं ना आई तब देवे, देखा जाए। सूची में नाम बताते हैं नहीं? कहीं सोचिन मन ना हो। सोचिन नाम उसका आता है जिसका मतलब जो जो कुछ देता है, ऐसा कुछ है क्या? कुछ पैसा तो नहीं मांगे थे प्रधान? अब पैसा कहते है, पैसा ना आए है, पैसा जे जे दिन है देखे अपन आए जाए। अरे ये सब बातें गुप्त होती है, सब बातें कहते नहीं है। कितना पैसा मांग रहे थे? 10,000-20,000 नॉमिनेशन के लिए, 10,000-20,000 दो तब जाए लिस्ट में नाम। जब वहाँ भेजी तब आवे तो मतलब ऐसा नहीं है।